नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अरमता सिंह आंगू। आई बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेश में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में किया शामिल। कहा, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर के शामिल होने से वायुसेना की बढ़ेगी युद्ध क्षमता और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भारत तिब्बत सीमा पर लगभग 13,320 फीट की ऊंचाई पर स्थित जेथांग विलेज का किया दौरा। स्थानीय लोगों के साथ सरकार की योजनाओं पर किया संवाद और सुनी उनकी समस्याएं। मुख्यमंत्री ने मांगो विलेज में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में भी लिया हिस्सा। अरुणाचल प्रदेश के वेटलिफ्टर सांगो लापुंग ने गुजरात में चल रहे राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों के 96 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर राज्य को किया गौरवान्वित। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सांगो लापुंग को नेशनल गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने पर दी बधाई। कहा, युवाओं को मिलेगा प्रोत्साहन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज स्वदेश में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया। राजस्थान में जयपुर वायुसेना केंद्र पर समारोह आयोजित हुआ। इन हेलीकॉप्टरों को 143 हेलीकॉप्टर यूनिट में शामिल किया जाएगा। हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को प्रचंड नाम दिया गया है। अपने संबोधन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों के शामिल होने से वायुसेना की युद्ध क्षमता बढ़ेगी और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। अत्याधुनिक आधुनिक लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनाती के लिए डिजाइन किया गया है। दुनिया में ये ऐसे हेलीकॉप्टर है जो काफी भार के साथ 5,000 मीटर की ऊंचाई पर हथियारों ईंधन लेकर उड़ान भर सकते हैं और उतरने में सक्षम है। इन हेलीकॉप्टरों में दो शक्तिशाली इंजन लगे हैं और इनमें रडार से बचने की विशेष क्षमता है। इनकी अन्य विशेषताओं में हर मौसम के अनुकूल काम करना, सुरक्षा कवच, रात में हमले की क्षमता और दुश्मन का पीछा करते हुए सटीक निशाना लगाना शामिल है। यह हेलीकॉप्टर हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों 70 mm रॉकेट और 20 mm की भूमिका निभा सकता है। इनमें युद्ध के दौरान तलाश और बचाव, दुश्मन की वायु रक्षा को नष्ट करना और जंगल तथा शहरी क्षेत्रों में आतंकवाद रोधी अभियानों के लिए काम करना शामिल है। और डेवलपमेंट मॉडर्न बैटलफील्ड की जरूरतों के अनुरूप किया गया है। अपने डेवलपमेंटल स्टेजेज में अनेक प्रकार की टेस्टिंग में इसने तमाम चुनौतियों से निपटने में अपनी योग्यता दिखाई है। यलशियस दुश्मनों को चकमा देते हुए विभिन्न प्रकार के एमिनेशन को कैरी करने और शीघ्रता से यथा स्थान पहुंचने में सक्षम है। यह वर्सटाइल हेलीकॉप्टर विभिन्न टेरेन में हमारी आर्म्ड फोर्सेज की जरूरतों पर पूरी तरह यह खरा उतरता है। ऐसे में एलसीएच हमारी आर्मी और एयरफोर्स दोनों के लिए एक आइडियल प्लेटफॉर्म है। साथियों, आजादी से लेकर अब तक भारत की संप्रभुता को सुरक्षित रखने में इंडियन एयरफोर्स की बेहद शानदार भूमिका रही है। इंटरनल थ्रेट्स हो या एक्सटर्नल, वार हो या पीस, इंडियन एयरफोर्स ने सदैव अपने अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम के साथ नेशनल सिक्योरिटी को मजबूती प्रदान की है। राष्ट्र को जब जरूरत पड़ी है, हमारी एयरफोर्स अपने करेज, कैपेबिलिटी और वर्सिटिलिटी के साथ राष्ट्र की अपेक्षाओं पर हमेशा यह खरी उतरी है। इस मल्टी रोल लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर के इंडक्शन के बाद इंडियन एयरफोर्स की भूमिका और अधिक प्रभावी रूप से हमारे सामने होगी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भारत तिब्बत सीमा पर लगभग 13,320 फीट की ऊंचाई पर स्थित जेथांग विलेज का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों के साथ सरकार की योजनाओं पर संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनी। स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री से बाढ़ से या ग्रेजिंग ग्राउंड के हो रहे कटाव पर नियंत्रण के लिए जरूरी कदम उठाने का आग्रह किया। श्री खांडू ने आजीविका के लिए याक पालन पर निर्भर ब्रोकपा समुदाय के लोगों के साथ समय बिताया और जेथांग विलेज के आसपास के इलाकों का भी जायजा लिया। मुख्यमंत्री करीब 10 किलोमीटर पैदल चलकर जेथांग विलेज पहुंचे थे और उन्होंने गांव के बच्चों के साथ भी अपना समय बिताया।
भारत तिब्बत सीमा से लगे तवांग जिले के सीमावर्ती गांव के 3 दिवसीय दौरे के तहत मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मांगू विलेज में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में हिस्सा लिया। इस शिविर में तवांग के विधायक सरिंग ताशी, सेना की मद्रास रेजिमेंट के ब्रिगेडियर RS धरवाल, कर्नल प्रमोद M, जिला परिषद अध्यक्ष लेकी गोम्बू और स्वास्थ्य विभाग के कई चिकित्सक और कर्मी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने गांधी जयंती के उपलक्ष्य में मांगू विलेज में आयोजित कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। श्री खांडू ने सरकार की तरफ से मूलभूत सुविधाओं के विकास और आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत कौशल विकास और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। अरुणाचल प्रदेश के वेटलिफ्टर सांगो लापुंग ने गुजरात में चल रहे राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर राज्य को गौरवान्वित किया है। श्री लापुंग ने राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की भारोत्तोलन प्रतियोगिता के 96 किलो बार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सांगो लापुंग को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई देते हुए कहा है कि इससे राज्य के युवाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। विधायक मुचु मिती ने आज लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग में डिस्ट्रिक्ट एम्पोरियम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिला उपायुक्त सौम्या सौरभ, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर मार्थो दिर्ची, इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर ए परतिन सहित कई अधिकारी मौजूद थे। अपने संबोधन में श्री मिती ने कहा कि राज्य सरकार स्थानीय हस्तशिल्प उत्पादों के प्रचार प्रसार के लिए संग्रहालय की स्थापना के साथ उद्यमियों को जरूरी सहायता दे रही है। हमारे अरुणाचल पे विभिन्न समाज है, जनजाति बसे हुए हैं, बहुत सारे हैं, आपको पता है। ज़्यादातर हमें यही दिखाई पड़ता है जो टेक्सटाइल्स के जो फैब्रिक से लेके जो पैटर्न्स है वो हमें निशी समाज के, आदी समाज के, ईडू समाज के, गालो समाज के वही दिखाई पड़ते हैं। लेकिन आपको भी पता होना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स है, छोटा मोटा ट्राइब्स है, जैसे कि मेयर ट्राइब, विजयनगर का योबिन ट्राइब, बुगुन ट्राइब है, जिसके जो जो वस्त्र, जो कपड़ा है, जो हमारे ट्रेडिशनल ड्रेसेस है, इतना सुंदर है, और लेकिन बहुत सारी एक्सिबिशन्स में हमें दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये एम्पोरियम एक मौका होता है जो लोग बाहर से आके, हमारे अपने लोग भी आके ये देखने के लिए क्या पैटर्न्स है, कैसे है, कैसे वेशभूषा है, किस तरह से लोग रहता है। और अरुणाचल का पोटेंशियल ही यही है, दो चीज, दो पोटेंशियल है अरुणाचल का। नवरात्रि का 8वां दिन महाअष्टमी आज देश के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक उत्साह के साथ मनाई जा रही है। परंपरागत रूप से यह त्यौहार 9 दिनों तक मनाया जाता है। इस दिन भक्त महागौरी के रूप में माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। इस दिन कन्या पूजन किया जाता है। इस अवसर पर माँ दुर्गा की मूर्तियों के साथ पंडालों की स्थापना की जाती है। नवरात्रि के दौरान गरबा और डांडिया भी खेला जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरुणाचल के राज्यपाल डॉ बीडी मिश्रा ने महाअष्टमी के पावन अवसरों पर लोगों को बधाई दी है। तवांग में दुर्गा पूजा की धूम है। बौद्ध मठ में माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित की गई है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। हर कोई, मतलब यहाँ जात का उसका कुछ नहीं है, हर कोई आए आके माँ का नमस्कार करे, प्रसाद ग्रहण। अच्छा, ये म्यूजियम जो है शुरू तो वैसे 1997 से ही शुरू हुआ है। तो इसके बाद जो इसमें ये खासियत है कि यहाँ जो है म्यूजियम में 7 सेंचुरी से लेके सब सामान देखने के लिए मिलेगा। 7 सेंचुरी में यहाँ एक राजा रहता था, किंग ऑफ काला वहाँ पर राजा रहता था पहले जो है। मोनास्ट्री तो वैसे 1681 सेंचुरी में बनाया है, तो 7 सेंचुरी में यहाँ एक राजा रहता था, उनका सामान भी यहाँ देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ म्यूजियम के अंदर 17, 18, 19 सेंचुरी का सामान भी मिलेगा देखने के लिए। अपर सुबनसिरी जिले में दुर्गा पूजा का उल्लास देखा जा रहा। स्थानीय विधायक तान्या सोकी ने दापोरिजो नगरीय क्षेत्र में स्थापित दुर्गा पूजा पंडाल में पूजा अर्चना की और राज्य में सुख शांति और समृद्धि की कामना की। उन्होंने लोगों से सभी धर्मों का सम्मान करने और आपसी भाईचारे की भावना के साथ प्रगति के पथ आगे बढ़ने की अपील की। ये मानता है कि दुर्गा पूजा जो सच्चाई की जीत और अच्छाई की जो बुराई से जीत, उसी को मानता है। और अपना यहाँ
हम लोग जब छोटा समय में भी दुर्गा पूजा मानते थे, मान करके आ रहा है। और दुर्गा ये जो हम लोग का यहाँ जो है कि सेक्युलर का भावना, पहले भले हमारा अपना जो इंडिजिनस के लोग दुर्गा पूजा का बारे में मालूम नहीं रहा, लेकिन जैसे यहाँ बाहर का जो लोग हमारा जो दुर्गा पूजा मानने। ईटानगर राजधानी क्षेत्र में दुर्गा पूजा पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। दुर्गा पंडालों में आज सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है और लोग अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए पूजा अर्चना कर रहा है। इस अवसर पर दुर्गा पूजा पंडालों के आसपास विशेष रूप से सजावट की गई है। इस सियांग जिले में भी दुर्गा पूजा के अवसर पर पासीघाट सहित कई नगरीय क्षेत्रों में पूजा पंडाल बनाए गए हैं और श्रद्धालु पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं। दुर्गा पूजा तो बढ़िया चल रहा है और एक दो साल से अच्छा चल रहा है और पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि न्यायपालिका को लोगों का न्याय प्रक्रिया में विश्वास सुनिश्चित करना होगा। नई दिल्ली में आयोजित फोर्ब्स इंडिया लीगल फ्लॉलेस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री रिजिजू ने कहा कि देश के सभी नागरिकों को समय पर न्याय दिलाने में जजों की महत्वपूर्ण भूमिका है और न्यायाधीशों को लीगल और एथिकल स्टैंडर्ड के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। Not there to provide only rules and regulations to restrict. Without a robust judicial system, our democracy cannot thrive. And for a robust judiciary, we must have a vibrant legal community. If possible, to ensure that these kind of events are held in every part of our country. The lawyers are the vehicles of providing justice to the people. I always mention in all the judiciary functions also that the bench and the bar, the judges and the lawyers are two parts of the same coin. This kind of evening can be interesting and smart lawyers, smart judges are always interesting and we can have events like this filled with fun. Lots of elements of styles, and I'm impressed with the way it is being arranged. So, good to be part of this kind of wonderful function to honor and to recognize those who have very well excelled in their respective. सियांग नदी की तेज जलधारा के कारण मबो ढोला मार्ग के कटाव से इस सियांग जिले के लोअर मबो क्षेत्र के 3 गांव और लोअर दिबांग वैली जिले के 10 गांव का सड़क संपर्क कटा हुआ है। भूमि के कटाव के कारण सिगार मोपोक बोरगुली सेरम कोंकुल नामसिंग मेर और गादुम विलेज की करीब 1000 हेक्टेयर भूमि सियांग नदी में समाहित हो गई है। स्थानीय लोगों ने राज्य सरकार से इस क्षेत्र में भूमि कटाव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए तत्काल कदम उठाने का अनुरोध किया है। एक छोटा सा नदी था 2000 प्लॉट से यहाँ सियांग मेन रिवर जो डाइवर्सन होके अभी ये जगह जो है नामसिंग विलेज का एरिया में पड़ता है और मैबो साब डिविजन मैबो नामसिंग सर्कल। उसका बाद में 2000 का बाद में ऐसे छोटा छोटा इरोजन होते होते मेन इरोजन हुआ है 2019 से शुरू हुआ है होके नामसिंग को मोर देन 1000 हेक्टर जैसे अभी तक ले जा चुका है। लोअर दिबांग वैली के नगरीय क्षेत्रों के सौंदर्यकरण को लेकर रोहिंग के पंचायत सभागार में पंचायत सदस्यों और स्थानीय संगठनों की एक बैठक हुई। इस बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने रोहिंग टाउन के ब्यूटिफिकेशन के विषय में अपने विचार रखे। बेसिकली आज का जो गैदर में हम लोग जो है एक प्यारा मेम्बर सब जितने भी जो दिबांग वैली का यूथ्स है सीनियर सिटीजन है उन सबको बोला कि हम लोग जो है एक टाउन ब्यूटिफिकेशन के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया।
गांधी जयंती के अवसर पर ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जोलांग में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान में सभी वर्ग के लोगों ने श्रमदान किया और निर्धारित स्थानों पर ही कूड़े का निपटारा करने की अपील की। इस अवसर पर जोलांग जनरल ग्राउंड में खोली तान्या मेमोरियल इंटर विलेज वॉलीबॉल प्रतियोगिता शुरू हुई। खेलों को बढ़ावा देने के लिए पहली बार आयोजित इस प्रतियोगिता में जोलांग क्षेत्र के कई गाँव के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इन लोगों ने जो हमारे जो पंचायत की ओर से जो रिक्वेस्ट किया था, जो अपील किया था कि आज के दिन पे सोशल सर्विस होंगे बोला, तो आज देखा है तो काफी लोग बाहर आए। ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में स्थित कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री द्वारा किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्नत खेती के बारे में जन जागरूकता के साथ युवाओं को कृषि, बागवानी और पशुपालन में उद्यम शुरू करने के लिए समय समय पर प्रशिक्षित किया जाता है। हाल ही में कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री के परिसर में राफ्टर एंटरप्रेन्योर्स मीट कम अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें युवाओं को उद्यमिता के गुण सिखाए गए। रफ्तार प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है, वो हम कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री में काम कर रहा है 2019 से। अभी तक हमने करीब 10 स्टार्टअप को हमने ऑलरेडी प्रमोट किया है। आरकेवाई का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो भी हमारे स्टार्टअप है उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस कैसे दिया जाए और उनको कैसे ट्रेनिंग दिया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। जल्दी जल्दी आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD News अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।